कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि यदि आपने एक बार सेटलमेंट कर ली और उसके बाद आपको लगा कि ये सेटलमेंट मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उसमें आपको बहुत नुकसान हो गया और आप कंज्यूमर कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो क्या आपकी कंप्लेंट एंटरटेन होगी या आपको कोई रिलीफ मिलेगा। इस पर हम एक डिसाइडेड केस की चर्चा करेंगे जो 2021 में ही जनवरी में ही अभी रिसेंटली डिसाइड हुआ है, और इस केस के फैक्ट्स को देखने पर आप ये समझ सकेंगे कि किन परिस्थितियों में आपका सेटलमेंट फुल एंड फाइनल माना जाएगा और किन परिस्थितियों में ये माना जाएगा कि आपने अंडर प्रेशर या आपको मिसलीड किया गया, ठीक तरह से गाइड नहीं किया गया और ऐसे सरकमस्टांसेस ने आपने दबाव के अंडर आकर अपना सेटलमेंट किया। हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर प्रेमलता, रिटायर्ड जज फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट। मेरा मिशन है आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी देना, कंज्यूमर कोर्ट्स किस तरह से काम करते हैं, किस किस तरह की शिकायतें कंज्यूमर कोर्ट्स में सुनी जा सकती हैं और कंज्यूमर कोर्ट्स आपको क्या राहत देते हैं और आपको खरीदारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम हर रविवार को एवरी संडे लाइव चैट में आपके प्रश्न सुनते हैं और उनके डायरेक्ट जवाब देते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। तो ये केस था अरिहंत इंडस्ट्रीज एंड अदर्स वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। कंपनी ने अपने कॉटन के स्टॉक को फायर के लिए इंश्योर करवाया और फैक्ट्री में फिर आग लग गई, उसका बहुत सारा स्टॉक जो था वो उसमें नष्ट हो गया। कंपनी को सूचना दी गई, कंपनी ने अपना सर्वेयर अपॉइंट किया, मिस्टर जे सी बंसाली एसोसिएट्स थे जिन्होंने उसका सर्वे किया और सर्वेयर ने 32,92,525 रुपए का क्लेम बनाया, असेस किया, पर कंपनी का कहना था कि उनका नुकसान 99,45,286 का हुआ है। कंपनी ने भी अपना सर्वेयर अपॉइंट किया, पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर औरंगाबाद का था, उन्होंने एक कमेटी भी अपॉइंट की ये देखने के लिए कि एक्चुअली फायर का कॉज क्या था। ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी और कंपनी को बहुत दिक्कत हो रही थी, उनको पैसा चाहिए था, घाटा इतना हो गया था। इस बीच में इंश्योरेंस कंपनी ने ऑफर किया कि हम आपको 39,72,828 रुपया देते हैं, क्योंकि ये कमेटी तो टाइम लेगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, फायर का कॉज, फायर का कारण, आग का कारण नहीं पता चल रहा, इसलिए आप इसको लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अरिहंत कंपनी ने ये इंश्योरेंस द्वारा ऑफर किया होगा यह क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, सारे वाउचर्स भी साइन किए, वाउचर साइन करने के बाद पैसा एक्सेप्ट भी कर लिया, बॉन्ड भी एग्जीक्यूट किया और मैटर सेटल हो गया। 2 साल बाद कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट की कंज्यूमर फोरम में, जिसमें उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे ये कहा था कि जब तक तुम वाउचर साइन नहीं करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, उनके दबाव में आकर मुझे साइन करना पड़ा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि जो बॉन्ड साइन करवाया था उसके ऊपर ये लिखा था अगर फायर की कॉज, आग लगने का कारण कुछ और निकलता है तो ये सेटलमेंट फाइनल नहीं मानी जाएगी। अब नेशनल कमीशन के सामने जब ये केस आया तो नेशनल कमीशन ने क्या पाया और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या तर्क दिए। इंश्योरेंस कंपनी के तर्क थे कि आग लगने का कारण पता नहीं चल पा रहा था और डिफरेंट एजेंसीज इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और चूंकि बार बार कंपनी ये कह रही थी कि हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसलिए उनको ये ऑफ़र दिया गया था और इस ऑफ़र को उन्होंने स्वीकार कर लिया था और आज अब
दो साल बाद 99,45,286, वो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके 59,72,457 बैलेंस मांग रहे हैं और 10 लाख कॉस्ट का भी मांग रहे हैं तो ये जस्टिफाइड नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने बॉन्ड साइन किए, वाउचर साइन किए और दो साल के बाद इस वक्त जो अपना ये कंप्लेंट लगा रहे हैं ये आफ्टर थॉट है। नेशनल कमीशन के पास जब मैटर आया तो नेशनल कमीशन ने क्या क्या जांच की। पहली बात, नेशनल कमीशन ने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उनकी एविडेंस चेक की, तो कोई भी ऐसा प्रमाण नेशनल कमीशन को नहीं मिला जिससे ये सिद्ध होता था कि उनको प्रभावित किया गया या उन पर दबाव डाला गया, इंश्योरेंस कंपनी ने कोई दबाव डाला और दबाव में आकर उन्होंने साइन किए, पहली बात। दूसरी बात, ये ऑब्जेक्शन उस टाइम तो उन्होंने रेज ही नहीं की जिस समय उन्होंने साइन किए और वाउचर साइन किए और बॉन्ड साइन किया, एक बार भी नहीं कहा कि मेरा नुकसान तो ज़्यादा हुआ था और मुझे ये नुकसान इतना जो दिया जा रहा है, इतना जो कंपनसेशन दिया जा रहा है वो काफ़ी नहीं है। और तीसरी बात, कंप्लेनेंट कंपनी ने कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट ऐसा लगाया ही नहीं जिससे ये सिद्ध होता हो कि उनका लॉस 99,45,286 रुपये एक्चुअली हुआ था। और अंतिम बात, दो साल बाद की बात भी छोड़िए, दो साल बाद लगाने का सीधा सीधा प्रिजम्पशन ये होती है कि ये आफ्टर थॉट था, उस समय उनको चाहे उनको पैसे की आवश्यकता थी किंतु पैसे की आवश्यकता उनकी थी, निर्णय उनका था, लेने का अपना उनका कारण था, स्वीकार करने का अपना उनका कारण था और ये सेटलमेंट तो फुल एंड फाइनल ही थी। इसलिए एक बार फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के बाद जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि किसी तरह का कोई दबाव था, किसी तरह से प्रभावित किया गया था या किसी तरह से मानसिक रूप से ठीक नहीं था, ऐसी कोई चीज़ जब तक सामने नहीं आती तब तक अगर दो पार्टीज़ ने आपस में मिलकर कोई सेटलमेंट की है, साइन किए हैं, तो उसको फाइनल सेटलमेंट माना जाएगा। यहाँ पर नेशनल कमीशन ने ये भी बोला कि ये सही है कि इस केवल वाउचर साइन कर देने से सेटलमेंट नहीं हो जाती, किंतु ये सिद्ध करना बड़ा ज़रूरी है कि वाउचर जब साइन किए तो वो किसी दबाव में किए थे, जो कि प्रमाणित नहीं हो सका इस केस में। तो फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए कि जब आप सेटलमेंट करने के लिए जाते हैं तो पूरी तरह से जांच लीजिए, समझ लीजिए कि ये सेटलमेंट आपकी फुल एंड फाइनल होगी एक बार आप साइन करेंगे तो, और फिर ये प्रमाणित करना निश्चित रूप से मुश्किल होता ही है और बहुत कम केसेस में ऐसा कहीं भी सिद्ध हो पाता है कि सेटलमेंट आपने अपने मन से नहीं की है, क्योंकि उसके लिए बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में दोनों के सिग्नेचर्स होते हैं और इवन कई बार तो वेरिफिकेशन में ये लिखा भी जाता है कि ये सेटलमेंट मैं अपनी मर्जी से और बिना किसी दबाव के कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहें हमारे साथ। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे फिर हम एक नए इशू के साथ। थैंक्स।